आलिया भट्ट, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग। पीएनबी के 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद सीबीआई ने रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी पर शिकंजा कसा है। लगभग 800 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के आरोप में सीबीआई ने रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी के घर पर छापेमारी की। दरअसल लोन डिफॉल्ट के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंपनी के मालिक के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज की है। ताजा जानकारी के मुताबिक सीबीआई विक्रम कोठारी, उनकी पत्नी और बेटे से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में 3 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। बताया जा रहा है कि विक्रम कोठारी ने जिन बैंकों से लोन लिया है उनमें बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और यूनियन बैंक शामिल है। कोठारी ने यह कर्ज 5 से ज्यादा सरकारी बैंकों से लिया है। इन बैंकों ने नियमों की अनदेखी कर कंपनी को ये कर्ज दिया है। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।